रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हमेशा से हिंदी सिनेमा में सफलता की चाबी मानी गई है। इसी कड़ी में नया नाम राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी स्टार फिल्म विद्या विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का जुड़ गया है, जिस वक्त सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती हुई आगे बढ़ रही है। रिलीज के ओपनिंग वीकेंड में ही इस मूवी ने आलिया भट्ट की जिगरा को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में पछाड़ दिया, जिसकी वजह से निर्देशक सराज शाडिल्स विक्की विद्या सफलता की डगर पर चल पड़ी है। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 कारण हैं जो इस मूवी को सक्सेसफुल बनाते हैं। किसी भी मूवी के लिए उसकी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र उसकी कहानी है, जो कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के लिए एकदम फिट बैठती है। सुहागरात की सीढ़ी के इर्द गिर्द घूमती इस मूवी की स्टोरी आपको एक पल के लिए बोर नहीं करेगी और कॉमेडी के कंपटीशन के साथ आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट का डोज देती नजर आएगी। वहीं एक कॉमेडी फिल्म की खासियत होती है कि उसमें स्टारकास्ट के डायलॉग्स, कॉमिक टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि पल भर में ऑडियंस का दिल जीत ले। राजकुमार राव की विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में ऐसे संवेदाओं की भरमार है, फिर चाहे वो तृप्ति डिमरी का ठरकुल्ला बोलना हो या फिर मल्लिका शेरावत और विजय राज के मजेदार डायलॉग्स क्यों ना हो। रोमांटिक कॉमेडी होने के साथ साथ आपको विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में सस्पेंस भी देखने को मिलेगा। सुहागरात की एक सीढ़ी का गुम जाना और फिर उसके पीछे सभी फिल्म किरदारों का पूरी तरह से बावरा हो जाना अपने आप में बेहद शानदार रहा। वो सीढ़ी कैसे खोती है और फिर मिलती है या नहीं, ये सस्पेंस अंत तक बरकरार रहता है। वहीं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को डायरेक्शन कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए महारत हासिल करने वाले निर्देशक राज शाडिल्स ने किया। इससे पहले वे आयुष्मान खुराना स्टार ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल 2 और जॉन इब्राहिम की वेलकम बैक जैसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्में बना चुके हैं। इसी इधर अगर बात करें तो उनकी लेटेस्ट फिल्म में भी कॉमेडी जोनर का असली कमाल देखने को मिला। विक्की के किरदार में राजकुमार राव ने अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी, दूसरी तरफ विद्या की भूमिका में तृप्ति डिमरी भी कम नहीं नजर आई। इतना ही नहीं, मूवी में अन्य कलाकारों ने भी अपने अपने किरदार की छाप छोड़ी है। मालूम हो कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो अब तक रिलीज के पहले 3 दिन में 18 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है, जबकि आलिया भट्ट की जिगरा का कारोबार अभी तक 16 करोड़ ही हो पाया है। 100 न्यूज की रिपोर्ट।